हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिनीमेंट्स एंड लोशन। इज इट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन में आज हम लिनीमेंट्स एंड लोशंस के बारे में बात करने वाले हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो बहुत ही बढ़िया, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। धीरेंद्र सर गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लिनीमेंट, गुड मॉर्निंग फार्मिंग गुरु, बहुत ही बढ़िया। कहाँ थे सभी लोग, कैसे हो? चलिए स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कंफर्म करेंगे एक बार, साउंड नहीं आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से कंफर्म करेंगे। धीरेंद्र बताइएगा, साउंड नहीं आ रहा है क्या? फार्मिंग ग्रुप कंफर्म करेंगे जल्दी से। गुड मॉर्निंग सुनीता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पंकज, जल्दी से कंफर्म करेंगे, साउंड नहीं आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग कंचन। चलिए बहुत ही बढ़िया, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। अब आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। समझिएगा, सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? लिनीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया धीरेंद्र, आप एक बार चेक कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो, है ना धीरेंद्र, एक बार अगेन ज्वाइन कर लो आप, है ना, सही हो जाएगा। चलो लिनीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लिनीमेंट जो आपका टॉपिकल प्रिपरेशन का पार्ट है। आ रहा है सर बहुत, बट स्लो है। फार्मिंग ग्रो कोई बात नहीं, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया सत्येंद्र, समझिएगा मैंने क्या बोला आपको। लिनीमेंट की बात करने वाले हैं जो कि आपका टॉपिकल प्रिपरेशन का पार्ट है। टॉपिकल प्रिपरेशन का पार्ट है, समझिएगा। लिनीमेंट इज ए मेडिकेटेड टॉपिकल प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। जो आपके लिनीमेंट होते हैं वो आपके टॉपिकल प्रिपरेशन होती है। दैट मीन जो आपके स्किन के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? टॉपिकल प्रिपरेशन। इज इट क्लियर? टॉपिकल प्रिपरेशन में है आपका लिनीमेंट, उसके बारे में हमने बात की। तो टॉपिकल प्रिपरेशन में जो लिनीमेंट है आपका जनरली यूज किया जाता है किसके लिए? स्किन के लिए। यानी कि स्किन पर क्या किए जाते हैं? ये अप्लाई किए जाते हैं, समटाइम्स कॉल्ड बाम्स और हीट रब्स। लिनीमेंट आर ऑफ ए सिमिलर और लेजर विस्कोसिटी देन लोशन, आर रब्ड इन टू क्रिएट फ्रिक्शन अनलाइक लोशन ऑइंटमेंट। जो आपके लिनीमेंट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? लेस विस्कस होते हैं, यानी कि विस्कोसिटी की बात हो रही है। विस्कोसिटी कैसी होती है जो लिनीमेंट की? वो कम होती है किसके कंपैरिजन में? लोशन के कंपैरिजन में जो आपके लिनीमेंट होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए उसके बाद और क्रीम, बट पेचेस स्टिक्स एंड स्प्रे आर ऑल्सो अवेलेबल। समझिएगा, जो आपके स्टिक्स हैं, जो स्प्रे हैं, जो आपके लोशंस हैं, जो आपकी क्रीम्स हैं, ये भी आपके रविंद्र चैप्टर का नेम क्या है सर? समझिएगा, तो ये जो आपका पैचेस है, जो क्रीम्स हैं आपकी,
ये जनरली ये आपके टॉपिकल के पार्ट में आते हैं, टॉपिकल वाले प्रिपरेशन में आते हैं। इज इट क्लियर? इनको क्या यूज करते हैं हम, इनको एप्लीकेशन करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं स्किन पर। चलिए उसके बाद, लिनिमेंट्स आर टिपिकली सोल्ड टू रिलीव पेन एंड स्टिफिनेस सच एज फ्रॉम सोर मस्कुलर एच एंड स्ट्रेन्स और अर्थराइटिस। जो आपके जनरली लिनिमेंट्स होते हैं वो आपके किसके लिए यूज किए जाते हैं? गुड मॉर्निंग विकास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो जो आपके लिनिमेंट्स होते हैं जनरली ये पेन के लिए यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? मस्कुलर एज के लिए यूज किए जाते हैं, और आपके अर्थराइटिस में आपने देखा होगा जनरली यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो जो पेशेंट को क्या होता है, आपका जो नी वाला पार्ट होता है वहां पर अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट जनरली लिनिमेंट प्रिफर करते हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं। दीज आर टिपिकली फॉर्मुलेटेड फ्रॉम एल्कोहल, एसीटोन और सिमिलर क्विकली इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट एंड कंटेन काउंटर इरिटेंट एरोमेटिक्स। जनरली जो आपके लिनिमेंट्स होते हैं ये आपके एल्कोहल कंटेन करते हैं और आपके एसीटोन कंटेन्स करते हैं। दैट मीन ऐसे कंपाउंड्स ये कंटेन्स करते हैं जो आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं, जो आपके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? इवेपोरेशन शो करते हैं। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में, है ना। मतलब कि वो जो कंपाउंड है वो आपका रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आपका वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जनरली केमिकल कंपाउंड सच एज मिथाइल सैलिसाइलेट केमिकल कंपाउंड की अगर बात करें लिनिमेंट की, तो ये आपका क्या है, उसका एग्जांपल है। यहां तक कहानी क्लियर है सभी को? आगे चलें, देख लेते हैं, समझिएगा। जनरल यूजेस ऑफ लिनिमेंट, लिनिमेंट के कौन कौन से जनरल यूज होते हैं। बहुत बढ़िया देवा, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत ही बढ़िया, समझिएगा मैंने क्या बोला। जनरल यूजेस ऑफ लिनिमेंट की बात हो रही है, कौन कौन से जनरल यूज होते हैं लिनिमेंट के। टर्म को समझिएगा, टर्मोलॉजी को समझिएगा, यहां पर टर्मोलॉजी को समझना है हमें। एंटी प्रोरेटिक्स जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, समझिएगा, यूज्ड टू रिलीव ईचिंग। जो आपकी ईचिंग है उसको, यानी उसके लिए जो यूज होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, जनरल यूजेस ऑफ लिनिमेंट। पहली चीज यानी कि फर्स्ट चीज क्या बोली, एंटी प्रोरेटिक्स के पर्पस से भी यूज किया जाता है ईचिंग के लिए। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट्स क्या है आपका, कॉजेज बायोलॉजिकल टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से बताएंगे एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया एस एम सैनी, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे एस्ट्रिंजेंट्स का एक एग्जाम्पल बताएंगे जल्दी से, एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल। उसके बाद ये आपके एज ए एमोलियंट्स भी यूज होते हैं, प्रोडक्ट दैट सॉफ्टन स्किन और ट्रीट ड्राई स्किन। इमोलियंट्स जो होते हैं आपके, वो इमोलियंट्स क्या होते हैं, इमोलियंट्स आपके जनरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो आपकी ड्राई स्किन है, जो ड्राई स्किन है उसको किसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए यूज किए जाते हैं क्या, इमोलियंट्स। तो इमोलियंट्स भी आपका एक एग्जांपल है किसका, जनरल यूजेस ऑफ लिनिमेंट्स का। बहुत बढ़िया। चलिए एनाल्जेसिक टर्म आपको पता है, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स आपके पेन के लिए यूज होते हैं, पेन की कंडीशन में यूज किए जाते हैं, दैट ड्रग विल बी कंसीडर एज अ एनाल्जेसिक ड्रग्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर लिनिमेंट का एक जनरल यूज क्या है, एनाल्जेसिक, यानी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग यूज टू अचीव रिलीफ फ्रॉम पेन, जो आपके पेन के लिए यूज किए जाते हैं। तो लिनिमेंट का एक जनरल पर्पस क्या है, ये पेन में भी यूज
किए जाते हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलिए तो सभी लोग यहां तक आई होप की कहानी क्लियर है, आगे चलते हैं। समझिएगा, रूबीफेसियंट्स क्या है आपका? सबस्टेंस दैट कॉजेज रेडनेस। जो सबस्टेंस आपके क्या कॉज करते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेन रिलीफ, बहुत अच्छे। समझिएगा, जो रेडनेस को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, उस टर्म को रिप्रेजेंट करता है क्या? रूबीफेसियंट्स। एज अ रूबीफेसियंट्स भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद काउंटर इरिटेंट दैट मीन एन एजेंट अप्लाइड लोकली टू प्रोड्यूस सुपरफिशियल इंफ्लामेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इंफ्लामेशन इन डीपर एडजेंस स्ट्रक्चर्स। दैट मीन जो कंडीशन, कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? इंफ्लामेशन की कंडीशन की बात हो रही है। तो एन एजेंट अप्लाई लोकली, जो आपके क्या करते हैं, सुपरफिशियली इंफ्लामेशन कॉज कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, वो आपके रेडनेस जो यूज कराते हैं, उस कंडीशन में भी आपका यूज किया जाता है। सर बी फार्म की 4 PM वाली क्लास आप लेना स्टार्ट करो सर। सैनी मैं बात करूंगा, है ना? ठीक है, अभी क्लास चल रहा है ना आपका, आप लोगों का चल रहा है ना सैनी अभी क्लास? चलिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। आगे देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लिनिमेंट की बात करते हैं। समझना, टाइप्स ऑफ लिनिमेंट्स में समझना, अल्कोहलिक लिनिमेंट्स और ओलियोजीनियस लिनिमेंट्स। दैट मीन अल्कोहलिक नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें क्या प्रेजेंट हो आपका, अल्कोहल प्रेजेंट हो, यानी जो आपका अल्कोहल कंटेन करते हो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक लिनिमेंट्स। हाँ सैनी, तो चल रहा है ना क्लास, तो फिर अच्छा है ना, अभी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? उसके बाद यूज्ड जनरली फॉर देयर रूबीफेसियंट्स काउंटर इरिटेंट्स माइल्डली एस्ट्रिंजेंट्स एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। जल्दी से बताएंगे पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, बट सर सुनिएगा, जल्दी से बताएंगे। मैंने अभी टर्म बताई थी क्या, रूबीफेसियंट। रूबीफेसियंट का मींस क्या है, जल्दी से बताएंगे। रूबीफेसियंट, बलराम, सैनी, जल्दी से बताओ, रूबीफेसियंट मीन क्या होता है, जल्दी से। जो आपके रूबीफेसियंट में यूज किए जाते हैं, काउंटर इरिटेंट में यूज किए जाते हैं, क्लियर है? एस्ट्रिंजेंट, एज ए एस्ट्रिंजेंट यूज किए जाते हैं, वो आपके क्या है, अल्कोहलिक लिनिमेंट्स हैं। यहां तक आई होप कहानी क्लियर है। उसके बाद पेनिट्रेट द स्किन मोर रेडली देन डू दोज विथ एन ऑयल बेसिस। जनरली आपके स्किन के लिए भी यूज किए जाते हैं, कॉजिंग रेडनेस। बहुत बढ़िया फार्मिंग गुरु, बहुत बढ़िया प्रदीप, चलिए बहुत अच्छे। जो एजेंट्स आपके क्या कॉज कराते हैं, रेडनेस कॉज करा देते हैं। इज इट क्लियर? चलिए उसके बाद ओलिजीनियस लिनिमेंट की बात करें तो माइल्डर इन देयर एक्शन व्हाट इज मोर यूजफुल व्हेन मसाज इज रिक्वायर्ड लेस इरिटेटिंग टू द स्किन डिपेंडिंग ऑन देयर इंग्रेडिएंट में फंक्शन स्लोली एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो आपके रविंग ऑफ द स्किन, अरिंदम, नहीं नहीं नहीं, रविंग की बात नहीं होगी। चलो बहुत अच्छे, ठीक है, समझना। ओलिजीनियस लिनिमेंट जो होते हैं आपके, जनरली ये लेस इरिटेंट होते हैं, और दूसरी चीज याद रखना, ये जो लेस इरिटेंट होते हैं जनरली मसाज के पर्पस से भी आपके क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? सॉल्वेंट एज ए फिक्स्ड ऑयल सच एज एलमंड ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, वॉलेटाइल सब्सटेंस सच एज विंटर ग्रीन ऑयल, टर्पिनिन और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्ट। जनरली जो आपके ओलिजीनियस यूज होते हैं। सर बहुत दिन बाद आए आप। हाँ पार्थ, थोड़ा सा लीव पे था। चलिए बहुत ही बढ़िया बलराम,
कूलिंग इफेक्ट। तो जो आपके ओलिजीनियस होते हैं, ओलिजीनियस क्या है आपके, उसमें जो आपके सॉल्वेंट यूज होते हैं, मोस्टली आपके सॉल्वेंट क्या है, वो आपके ऑयल हैं। जैसे पीनट ऑयल हो गया, एलमंड ऑयल हो गया आपका, वॉलेटाइल सब्सटेंस हो गया। तो जनरली ओलिजीनियस लिनिमेंट में अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से जनरली सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, तो याद रखना जो आपके ऑयल हैं, कॉटन सीड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, तो वो जनरली यूज किए जाते हैं किसमें, ओलिजीनियस लिनिमेंट्स में। और यहां पर बात की किसकी, अल्कोहलिक लिनिमेंट की, तो डेफिनेटली यहां पर क्या यूज होगा, अल्कोहल यूज होगा। इज इट क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर है, आई होप सो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर फर्स्ट सेम कब चालू होगा पार्थ? जल्दी ही आपका सेम, फर्स्ट सेम चालू होगा, है ना, बहुत जल्दी ही होने वाला है। बाकी उसके लिए मैं और आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक कहानी क्लियर है क्या, लिनिमेंट तक क्लियर है क्या सारी चीजें? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किसको, लोशन के बारे में बात कर लेते हैं, लोशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जनरली टॉपिकल प्रिपरेशन का पार्ट है, टॉपिकल प्रिपरेशन का पार्ट है, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, समझिएगा। ए लोशन इज ए लोशन इज ए लो विस्कोसिटी टॉपिकल प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन। जो आपके जनरली जो आपके लोशंस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ये भी आपके लो विस्कस होते हैं। इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है, और जनरली ये टॉपिकली यूज किए जाते हैं अनब्रोकन स्किन। इज इट क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। व्हाई कॉन्ट्रास्ट क्रीम एंड जेल हैव हायर विस्कोसिटी। जो आपके क्रीम्स होते हैं, जेल्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्रीम हुए, जेल्स हुए, इनका जो विस्कोसिटी होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद लोशंस आर अप्लाइड टू एक्सटर्नल स्किन विथ वेयर हैंड एंड ए ब्रश, ए क्लीन क्लॉथ, कॉटन, वूल और गॉज। जनरली ये आपके एक्सटर्नली स्किन पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सर आपका मूड ऑफ है। नहीं 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 बलराम, ऐसा नहीं है, मूड मेरा ऑफ नहीं है। आप लोगों से मिलता हूं, आप लोगों से बात करता हूं तो मेरा मूड ऑन हो जाता है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से। बाकी मूड ऑफ नहीं है, मूड तो मेरा बिल्कुल ऑन है। आप लोगों को देख लेता हूँ, आप लोगों से बात हो जाती है, मूड मेरा ऑन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है मुझे। चलिए, वाइल लोशन में बी यूज्ड एज ए मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम, मैनी लोशन स्पेशली हैंड लोशन एंड बॉडी लोशन आर मींट इंस्टेड टू सिंप्लाई स्मूथ मॉइस्चराइज एंड सॉफ्टनिंग द स्किन। जो जनरली आपके लोशन होते हैं, जैसे आपका मॉइस्चराइजिंग लोशन हुआ, जिसको आप बॉडी पर अप्लाई करते हो, इज इट क्लियर, बॉडी पर अप्लाई करते हो, वो आपके जनरली क्या होते हैं, वो आप क्यों यूज करते हो, स्किन को स्मूथ करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और ड्राइनेस को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है। These may be used in anti-aging lotion, which can also be classified as a cosmetic in many cases, may contain fragrance. Generally, जो आपके कुछ lotions होते हैं जिनको आप cosmetic category में भी बोल सकते हो, जो आपके किस में आ सकते हैं, जो आपके classified होते हैं cosmetic category में, क्योंकि वो आपके generally क्या contain करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग। तो जो आपके क्या करते हैं, फ्रेग्रेंस कंटेन करते हैं, यानी फ्रेग्रेंस की बात हो रही है, एक बहुत ही अच्छी खुशबू की बात हो रही है, एक फ्रेग्रेंस की बात हो रही है, उनको हम जनरली एज ए कॉस्मेटिक में भी क्या करते हैं, उसको प्रिफर करते हैं। क्लियर है यहां तक। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लोशन की बात हो रही है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, दैट मीन लोशन का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन लोशन के प्रोडक्शन की बात हो रही है, समझिए कैसे। मोस्ट लोशंस आर ऑयल इन वाटर, यानी जो आपके लोशंस होते हैं वो जनरली ओ वाया डब्ल्यू होते हैं।
बहुत बढ़िया, एस्ट्रिंजेंट, एंटी प्रोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स। अरिंदम क्या हुआ बताइए, कोई क्वेश्चन है क्या? अरिंदम कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो जनरली आपके किस किस में होते हैं? आपके ऑयल इन वाटर फेज में, दैट मीन वाटर आपका ज्यादा कंटेन होता है, ऑयल आपका कम होता है। इमल्सन्स यूजिंग सब्सटेंस सच एज सिटराइल एल्कोहल टू कीप द इमल्सन्स टुगेदर विद वाटर एंड ऑयल लोशंस आर आल्सो फॉर्मुलेटेड। जनरली आपके जो लोशंस होते हैं, याद रखना, वो क्या होते हैं? ओ वाया डब्ल्यू होते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर होते हैं। बट ऐसा नहीं है, और आपके वाटर इन ऑयल भी होते हैं, बट यहां पर ज्यादा कौन से होते हैं? ऑयल इन वाटर होते हैं, यानी वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और ऑयल का कंटेंट कम होता है। द की कंपोनेंट ऑफ स्किन केयर क्रीम और जेल इमल्शन दैट इज मिक्सड ऑफ दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जो आपके लोशंस होते हैं, क्रीम्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं? ये आपके ये मिक्सचर होते हैं किसके? ऑयल एंड वाटर के। अमेजिंग सर, क्या हुआ अजय? बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो आपके लोशंस होते हैं, जनरली ये आपके ऑयल इन वाटर भी होते हैं और वाटर इन ऑयल भी होते हैं, दोनों चीजें याद रखना। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि बहुत ज्यादा जो लोशंस, ज्यादातर जो लोशंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो आपके क्या होते हैं? ऑयल इन वाटर होते हैं, यानी ओ वाया डब्ल्यू। और जो लोशंस होते हैं ये मिक्सचर होते हैं किसके? ऑयल एंड वाटर के, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है। चलिए, फेजेस एंड इज यूज्ड ड्रग सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, जनरली जो आपके यूज होते हैं। उसके बाद ए वाइड वैरायटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रेग्रेंस, ग्लिसरॉल, पेट्रोलियम जेली, डाइज। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, प्रोटीन्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट कॉमनली एडेड टू लोशन। ये आपके, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर्वेश, एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ। थोड़ा सा वॉइस स्लो होगा, थोड़ा सा आज वॉइस स्लो होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन मतलब नॉर्मल आए आपको। चलिए, तो इसमें जनरली आपके फ्रेग्रेंस भी यूज किया जाता है, ग्लिसरॉल भी यूज किया जाता है, और आपका डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोटीन, स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये भी आपके जनरली यूज किए जाते हैं किसमें? लोशन में। क्लियर है? समझिएगा, अब यहां पर बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग लोशंस कैन बी कंप्लीटेड इन टू साइकल्स। जो आपके जनरली जो आपके क्या होते हैं, जो आपके लोशंस होते हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो जनरली दो साइकिल्स में होता है। समझना, यहां पर बात हो रही है एमोलियंट्स की और परफ्यूम की। समझना, एमोलियंट्स एंड लुब्रिकेंट्स आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल विथ ब्लेंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट। जो आपके एमोलियंट्स होते हैं और जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनको अगर हम ऑयल में क्या कर दें, ऑयल में आपका डिस्पर्स कर दें, विथ ब्लेंडिंग कर दें उसकी, और थिकनिंग एजेंट को ऐड कर दें, तो फर्स्ट प्रॉपर साइकिल जो है आपकी वो कंप्लीट ही हो जाएगी। उसके बाद परफ्यूम, कलर, प्रिजर्वेटिव आर डिस्पर्स इन द वॉटर साइकिल, एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ब्रोकन अप इन बोथ साइकिल डिपेंडिंग। समझना, दो साइकिल की बात की हमने, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोशन की बात कर रहे थे। दो साइकिल होती हैं, दो साइकिल में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एमोलियंट्स को क्या करते हैं? एमोलियंट्स एंड लुब्रिकेंट को आप क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, डिस्पर्स करते हैं किसमें? ऑयल में, और उसकी ब्लेंडिंग करते हैं और उसमें थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। सर पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है भाई, भी पहले जैसे एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हैं। हाँ फार्मिंग गुरु, एग्री करता हूँ, थोड़ा सा आज मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले जैसा मजा आए, है ना? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, बाकी फिर आते हैं एक नए पैटर्न में। ऑन द रॉ मटेरियल इन्वॉल्व एंड डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ लोशन एंड क्रीम। समझना, जनरली ये आपके दो साइकिल से बनते हैं, दो साइकिल में कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? उसके बाद स्टेप फोर, प्रोडक्शन ऑफ लोशन। समझना, स्टेप कौन कौन से स्टेप हैं वो याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, स्टेप फर्स्ट समझना, ऐड फ्लैक पाउडर,
इंग्रेडिएंट टू द ऑयल बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर द ऑयल फेज। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल को आप यानी ऑयल फेज में क्या करेंगे, पाउडर इंग्रेडिएंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद डिस्पर्स करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे। उसके बाद प्रिपेयर द वाटर फेज कंटेनिंग इमल्सीफायन एंड स्टेबिलाइजर। फिर वाटर फेज कंटेनिंग इमल्सीफायन और स्टेबिलाइजर को क्या करेंगे आप, प्रिपेयर करेंगे। फिर मिक्स करेंगे ऑयल एंड वाटर टू फॉर्म एन इमल्सन, फिर इमल्सन बनाएंगे। समझिएगा, अभी समझना, नोट जो है आपका ये जनरली याद रखना, जनरली याद रखना। यहां पर दिस इज एडेड बाय हीटिंग टू बिटवीन 110 से लेके 185 फ़ारेनहाइट और 45 से लेके 85 सेल्सियस पर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ऐड करते टाइम, तो ये क्वेश्चन याद रखना। डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन एंड विस्कोसिटी डिजायर्ड, वो आपका डिपेंड करता है कि कितना विस्कस रखना है उस फॉर्मुलेशन को। उसके बाद कंटिन्यू मिक्सिंग अंटिल द एंड प्रोडक्ट इज कंप्लीट, जब तक आपका प्रोडक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको क्या करना है, मिक्सिंग करना है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अभी सुनिएगा, मैं एग्री करता हूं फार्मिंग गुरु, थोड़ा सा उस एनर्जेटिक में, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया जैसा हम लोग पहले करते थे, बट नेक्स्ट क्लास में चेंजेस रखेंगे थोड़ा सा। चलिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, है ना, जल्दी से पूछ लीजिए यहां तक अगर कोई डाउट है किसी को तो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर है, लोशंस और आपका लिनिमेंट आज आपका क्या हुआ कवर किया हमने, स्टेप्स को देखा, टेम्परेचर को याद रखना, टेम्परेचर पूछा जा सकता है, कौन सा वाला लोशन ज़्यादा होता है, एग्जिस्ट करता है, वो आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।